हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटम्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बैकग्राउंड इमेज कैसे चेंज करें उसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, कई बार हमको फ़ोटो एडिट करनी होती है या किसी वीडियो को एडिट करना होता है, पर हमें उस फ़ोटो का बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता, तो हमें उस टाइम पर उस बैकग्राउंड को चेंज करना होता है। तो बहुत सारे लोग को वो चेंज कैसे करते हैं वो नहीं आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने बैकग्राउंड को चेंज कैसे करें, अपने बैकग्राउंड को पूरी तरह से प्लेन भी आप कर सकते हो वो कैसे करें। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना होगा। और दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नए वीडियोज़ मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके वीडियो या फ़ोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड सर्च कर लेना है। अब जैसे ही बैकग्राउंड सर्च करोगे, यहाँ पर आपको फ़ोटो बैकग्राउंड चेंज एडिटर वाला यहाँ पर एक ऐप मिलेगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल फ़ोटो एडिटर है जिससे आपका बैकग्राउंड आसानी से और अच्छे से एडिट हो सकता है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीमियम का ऑप्शन मिलेगा, पर आपको यहाँ पर प्रीमियम नहीं लेना है। यहाँ पर आपको ऊपर लेफ्ट साइड में जो एरो कट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आप गैलरी से फ़ोटो ले सकते हो, या तो आप कैमरे से फ़ोटो कैप्चर करके उसी टाइम एडिट कर सकते हो। यहाँ पर मैं गैलरी से फ़ोटो लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी गैलरी ओपन हो चुकी है। अब आपको जो भी फ़ोटो का बैकग्राउंड बदलना है, आपको सिर्फ उस फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। मैं ये फ़ोटो का बैकग्राउंड बदल रहा हूँ। आप देखोगे ये फ़ोटो को लोड कर रहा है और इसका पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरीके से इसने कैंसिल कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप अपने फ़ोटो को किस तरीके से बैकग्राउंड को एडिट करना चाहते हो। आपको यहाँ पर प्लेन ऑप्शन भी मिल जाएंगे। आप यहाँ नीचे से प्लेन ऑप्शन से अपना बैकग्राउंड प्लेन कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर नीचे स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर गूगल का ऑप्शन मिलेगा। गूगल के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। आप किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ से आसानी से चूज़ कर सकते हो। ये लोड कर रहा है। लोड करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़ का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर इसे यूज़ कर लेना है। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड एकदम सही से बदल चुका है। अगर आपको ये वाले ऑप्शंस नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपको वेब में आना है। वेब में आने के बाद यहाँ पर आपको गूगल पर आना है, और यहाँ पर आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए आपको सिर्फ यहाँ पर उस बैकग्राउंड को सर्च कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर ग्रास सर्च कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ग्रास के बैकग्राउंड्स आ चुके हैं। आप यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड को इजी ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड को मैंने यूज़ कर लिया है। अब जो पीछे का बैकग्राउंड के बदले यहाँ पर ये बैकग्राउंड आसानी से आ चुका है। ऐसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक या फेसबुक की प्रोफाइल पिक बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से उसका बैकग्राउंड चेंज करके भी ईजिली कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हो। ये आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी कर सकते हो। अगर आपको अपने फ़ोटो पर कोई कोट्स चाहिए तो यहाँ पर आपको कोट्स का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ से आप इजीली अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में कोई भी आप अपना मनपसंद अच्छा सा कोट्स रख सकते हो। यहाँ पर आपको आगे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंस्टा फ्रेम, विंटेज, फ्लोरल, म्यूज़िक, यहाँ से आप किसी भी तरीके से अपने फ़ोटो को या वीडियो को इजीली एडिट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर बैकग्राउंड ले लिया है। अब आगे जाने के लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में जो एरो दिख रहा है आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आपको राइट साइड में एरो मिल रहा है आपको वहाँ पर आ जाना है। वहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। यहाँ से आप किसी भी तरीके का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। यहाँ से एडजस्टमेंट है, स्ट्रक्चर्स है, फिट है, स्ट्रीकर्स और टेक्स्ट भी आप यहाँ पर अपने फ़ोटो में ऐड कर सकते हो। अब फ़ोटो को सेव करने के लिए
आपको यहाँ पर जो ऊपर राइट साइड में सेव का ऑप्शन मिल रहा है, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज सेव टू गैलरी। अब आपकी जो फ़ोटो थी वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तो ये आपकी जो पहले फ़ोटो थी वो ये है, और एडिट होने के बाद जो फ़ोटो थी वो ये है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और इस ऐप की लिंक मैंने वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इजीली ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही नए वीडियोज़ मिलते रहें।